हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एड ग्रुप स्ट्रक्चर एंड एड ग्रुप थीमिंग। आखिर ये एड ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हम लोग एड ग्रुप्स को स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरीके से हम लोग जो मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं उनको एक कैंपेन के अंदर बनाते हैं, और आखिर क्यों मल्टीपल एड ग्रुप्स को हम लोग कैंपेन के अंदर बनाते हैं, और ये एड ग्रुप थीमिंग क्या है, एड ग्रुप थीमिंग का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप गूगल सर्च एड सीख रहे हैं या सर्च एड्स रन करना चाहते हैं तो एड ग्रुप का स्ट्रक्चर, एड ग्रुप की थीमिंग, एड ग्रुप का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये भी हो सकता था कि मैं इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड कर दूं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम लोग इसको एक सिटिंग में समझें तभी सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह को, केस स्टडीज वगैरह को मैं कवर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइस हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं कि ये जो एड ग्रुप का स्ट्रक्चर है ये हमें किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से हमें ऑप्टिमाइज में हेल्प कर सकता है, किस तरीके से ये हमारा जो क्वालिटी स्कोर होता है उसको इंक्रीज कर सकता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये सर्च एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि गूगल एड्स के जो फ्री कोर्स है वो अवेलेबल है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग यहां पर बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से हम लोग जो हमारा कैंपेन है उसको स्ट्रक्चर करते हैं, और जिस वक्त हम लोग अपने सर्च कैंपेन के अंदर एड ग्रुप बना रहे होते हैं उस वक्त बेसिक्स क्या होती हैं, क्यों हम लोग एड ग्रुप बनाते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहां पर मेरा ये अकाउंट है, लेट से ये मेरा गूगल एड्स अकाउंट है और इस अकाउंट का नाम उमर तस्कीर है, और मैं इसके थ्रू umartazkeer.com को प्रमोट कर रहा हूं, जो कि एक इस टाइप की एजेंसी है जो हमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करके देती है क्लाइंट्स को, और साथ ही साथ जो डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड करके देती है। दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर हम किसी बिजनेस के लिए, किसी वेबसाइट के लिए गूगल एड्स रन करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस चीज को इग्नोर कर दें कि हमें ये पता ही नहीं है कि वो वेबसाइट किस बारे में है, उस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से पेजेस हैं, राइट, उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप की सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए तभी हम बेहतर तरीके से जो है आगे के स्ट्रक्चर जो है उनको बना सकते हैं। सो गाइस यहां पर लेट से कि मैं मान के चलता हूं कि मुझे दो तरीके के कैंपेन्स रन करने हैं, मेरी दो मेजर सर्विसेज हैं जिन्हें मुझे प्रमोट करना है। तो गाइस मैं क्या करूंगा, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, एक मैंने कैंपेन बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का, फाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का दिस इज कैंपेन नंबर वन, और वहीं पर आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का ये जो है ये हमारा कैंपेन नंबर टू। अब लेट से मुझे क्या करना है, इस कैंपेन को या मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वाली सर्विसेज है या ट्रेनिंग है इसको गाइस मुझे प्रमोट करना है लेट से लखनऊ में, फाइन, तो मैं कैंपेन लेवल की जितनी भी सेटिंग्स हैं उन सभी सेटिंग्स को मैं कर लूंगा कि मेरे को बजट कितना रखना है इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर, मेरे को लोकेशन कौन सी टारगेट करनी है, मेरे को लैंग्वेज कौन सी टारगेट करनी है, मेरे को जो बिडिंग हमारी सेलेक्ट करनी है वो क्या करनी है। तो ये सारी बेसिक चीजें मैं कैंपेन लेवल के ऊपर कर दूंगा। अब इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर मैंने दो एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सो गाइस यहां पर आप देख सकते हो मैंने दो एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक बनाया हुआ मैंने एड ग्रुप वन जो कि ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स कोर्स, ये हमारा पहला एड ग्रुप है इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर, और एक दूसरा मैंने एड ग्रुप बनाया हुआ है विच इज डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, ठीक है। तो जैसे कि हम एड ग्रुप्स के अंदर क्या करेंगे, हम अपने कीवर्ड्स रखेंगे, ठीक है, तो यहां मैं मल्टीपल कीवर्ड्स रख सकता हूं, जैसे मैं कीवर्ड वन, कीवर्ड टू, ये मैं मल्टीपल कीवर्ड्स रखता हूं, बट इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर मैं जो कीवर्ड्स रखूंगा वो गूगल एड्स कोर्स से रिलेटेड होंगे। वहीं पर इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड्स रखूंगा, और हमें जैसे पता है कि एक एड ग्रुप के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है, हम उसी एड ग्रुप के अंदर हम लोग जो है हमारे कीवर्ड्स रखते हैं, साथ ही साथ उसी एड ग्रुप के अंदर हम लोग हमारी एड कॉपी भी रखते हैं। तो एक तो बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है कि हम यहां पर एक और चीज कर सकते थे कि हम एक ही एड ग्रुप बनाते और डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स और एसईओ के कीवर्ड्स एक ही एड ग्रुप के अंदर रख देते, ये एक सही तरीका नहीं है। एड ग्रुप थीमिंग की जब कभी भी हम लोग बात करते हैं या कीवर्ड थीमिंग की हम लोग जब कभी भी बात करते हैं, इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि एक टाइप के जो कीवर्ड्स हैं उनको हमें एक साथ रखना है। तो जब मैं एक टाइप के कीवर्ड्स को एक साथ रखना चाहता हूं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर दो एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास दो बिल्कुल अलग ही अलग जो है वो सर्विसेज है, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर जो हमारे कीवर्ड्स होंगे, फाइन, यहां पर जो कीवर्ड्स होंगे, यहां पर जो कीवर्ड्स होंगे, फाइन, इसके रिस्पेक्ट में कुछ हमारे एड्स भी होंगे जिनको हम लोग एक्चुअली एड कॉपी बोलते हैं। यहां पर हमारी लेट्स से एड कॉपी वन है, यहां पर हमारी एड कॉपी टू है, इसी तरीके से दो एड कॉपी मैंने इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर बनाए हुए, राइट। तो हमें यह भी चेक करना है कि
एक्चुअली हमारी वेबसाइट के ऊपर इस टाइप की दो अलग अलग लैंडिंग पेजेस हैं भी या नहीं है? ये भी मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर दो एड ग्रुप्स तो बना दिए, बट आपकी वेबसाइट के ऊपर दो अलग अलग लैंडिंग पेजेस नहीं है, दो अलग अलग सर्विसेज के पेजेस नहीं है। एक ही पेज के ऊपर आपने अपने गूगल एड्स कोर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, एक ही पेज के ऊपर आपने अपने एसईओ कोर्स के बारे में मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पर थोड़ी सी रिलेवेंसी की गड़बड़ी हो जाएगी। सो गाइज, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसके हिसाब से हम लोग गाइज यहाँ पर जो है हमारे एड ग्रुप्स उनको क्रिएट करते हैं और उसके अंदर उससे रिलेवेंट ही कीवर्ड्स रखते हैं। हर एक एड ग्रुप के अंदर उसी चीज से रिलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, उसी चीज से रिलेवेंट हमारी एड कॉपीज होंगी और उसी चीज से रिलेवेंट जो पेज होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर उसके ऊपर हम लोग ट्रैफिक भेजेंगे। अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ पेज नहीं और हम किसी क्लाइंट के लिए प्रमोट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं उसको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें जो हमारा एड ग्रुप है वो किस तरीके से बनाना है। फाइन, तो यहां पर फिर से एक बार बात करते हैं कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नाम से हमने एक कैंपेन बनाया। इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हमने दो एड ग्रुप्स बनाए हैं क्योंकि हमारे पास दो पेजेस थे मेरी वेबसाइट के ऊपर और मैं दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। बेसिकली दो तरीके के मेरे लिए लैंडिंग पेजेस हो गए, एक पेज जो है मेरे गूगल एड्स का जो कोर्स है उसके बारे में बात करता है, दूसरा पेज जो है मेरा वो बात करता है मेरा एसईओ कोर्स के बारे में, राइट। तो मैं बड़ी आसानी से ट्रैफिक इन दोनों अलग अलग पेजेस के ऊपर मैं भेज सकता हूं। फाइन, वहीं पर आप देखो ये जो हमारी दूसरी सर्विसेज है इसके लिए मैंने बना रखा है अपना कैंपेन नंबर 2, ठीक है। तो सेकंड कैंपेन के अंदर भी जो मुझे टारगेटिंग करनी होगी, लेट से मुझे टारगेटिंग करनी है यहां पर दिल्ली में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैं दिल्ली में प्रमोट करना चाहता हूं, इसके लिए मेरा जो बजट है वो 5000 रुपीस का मेरा बजट है। सो यहां पर जो कैंपेन लेवल की सेटिंग्स थी एक्चुअली वो मैंने कैंपेन लेवल की सेटिंग्स कर ली। अब इसके अंदर जो भी मेरी सर्विसेज होंगी, लेट से मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस टाइप से है कि मैं तीन तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, पीपीसी एड्स की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूं, मैं एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, साथ ही साथ मैं कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं तीन एड ग्रुप्स को बना दूंगा। एक मेरा ये एड ग्रुप हो गया एड ग्रुप नंबर 1, ये हो गया मेरा एड ग्रुप नंबर 2, ये हो गया मेरा एड ग्रुप नंबर 3। तो यहां पर मैंने तीन एड ग्रुप्स बना दिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीन एड ग्रुप्स मैंने क्यों बनाए, क्योंकि इनका अलग से यूआरएल है मेरी वेबसाइट के ऊपर, या मैं कहूं इसका अलग से पेज है जहां पर जो भी मैं कीवर्ड्स रखूंगा। देखो कीवर्ड्स तो मैं ऐसे रैंडमली तो रख नहीं लूंगा, राइट, कीवर्ड्स के लिए भी मैं प्रॉपरली रिसर्च करूंगा और उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं मैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर रखूंगा। तो उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके मैं एड कॉपी बनाऊंगा ताकि रिलेवेंसी बनी रहे। इस चीज को मैं बार बार आपको बता चुका हूं, ठीक है, क्वालिटी स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब यूजर इन एड्स को देखेगा तो वो इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर जाएगा, अगर वो इंटरेक्ट करता है इन एड्स से, यानी कि इन एड्स के ऊपर अगर क्लिक करता है तो वो इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर यूजर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीके का मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ये मेरा एक सक्सेसफुल एड ग्रुप हो गया। उसी तरीके से दूसरा एड ग्रुप भी होगा, यहां पर भी जो है एसईओ वाला जो मेरा यूआरएल होगा जहां पर मैं एसईओ सर्विसेज को अपने प्रमोट कर रहा हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, फाइन, और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो मैं यहां पर मेंशन करूंगा, उससे रिलेटेड जो एड कॉपी है वो मैं यहां पर मेंशन करूंगा। तो गाइस अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आखिर ये जो एड ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया ही क्यों है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एड ग्रुप का ऑप्शन हम हटा देते, अगर हम एड ग्रुप का यहां पर ऑप्शन हटा देते तो हमें क्या करना होता कि जैसे ये एक कैंपेन वन है तो इसी के अंदर गाइस मैंने क्या कर रखा है, अपने एसईओ से रिलेटेड जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनको भी इसी के अंदर मेंशन किया हुआ है मैंने, जो मेरे गूगल एड्स से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, गूगल एड्स मतलब गूगल एड्स कोर्स से रिलेटेड जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनको मैं इसी में डाल रखा हूं, राइट। तो यहां पर जब मैं एड कॉपीज क्रिएट करूंगा तो वो प्रॉब्लम करेंगी। तो एक्चुअली एक कैंपेन को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो एड ग्रुप्स का ऑप्शन है। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। सो गाइस यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। लेट्स से मेरे एक वेबसाइट है umartazkeer.com, राइट गाइस, दिस इज माय वेबसाइट और इसके अंदर मैं अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। लेट्स से मैं यहां पर जो तीन तरीके की मेन सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, एक तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग और यहां पर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज, मैं तीन चीजें यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। अभी जो मैंने आपको एक कैंपेन का स्ट्रक्चर बताया, उस कैंपेन में मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके अंदर मैं और भी फर्दर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूं, मैं एसईओ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, एसईओ से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता हूं, फेसबुक एड से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं और गूगल एड से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। लेट्स से हमारा ये एक एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं। कैंपेन मैंने आपको बताया कि हम कैंपेन बनाएंगे जो कि होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या ट्रेनिंग के लिए और इसके अंदर हम लोग एक एड ग्रुप बनाएंगे एसईओ, ठीक है, दिस इज बेसिकली एड ग्रुप और इसी के अंदर हम लोग एसईओ से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं एसईओ से रिलेटेड वो रखेंगे और इन कीवर्ड से मिलती जुलती हम लोग एड कॉपी क्रिएट करेंगे कि हम लोगों ने
जो है अभी समझा इस चीज को। इसी के साथ साथ इसी पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला हमारा कैंपेन, इसी के अंदर हम लोग एक और एड ग्रुप बनाएंगे जो कि बेसिकली रिलेटेड होगा गूगल एड से, और यहां पर इसी से रिलेटेड हमारे कीवर्ड्स होंगे। फाइन, तो ये गूगल एड से रिलेटेड ही हमारे कीवर्ड्स होंगे और यहां पर ही हमारी एड कॉपीज होंगी, और ये हम लोग इसलिए कर रहे थे ताकि बेहतर हमारी जो रिलेवेंसी है वो बनी रहे। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहीं से भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहां पर हम लोग एक नए केस को समझते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं मैं अब एसईओ की दो और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। किस तरीके की? एक मैं एसईओ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं हिंदी में और एक मैं एसईओ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं इंग्लिश में। अब मैं चाहता हूं कि मैं उन कीवर्ड्स को भी टारगेट कर पाऊं जो लोग ऐसे सर्च कर रहे हैं एसईओ कोर्स इन हिंदी, ठीक है, या लोग ऐसे सर्च कर रहे हैं एसईओ कोर्स इन इंग्लिश। तो आप क्या बोलोगे कि सर ऐसा करते हैं, इसी पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर ही इन दोनों कीवर्ड्स को ऐड कर देते हैं और यहां पर जो हमारे एड्स हैं, ठीक है, यहां पर जो एड्स हैं इनमें हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चीजें जो है वो मेंशन कर देंगे। तो यहां पर देखो ये चीज थोड़ी सी रिलेवेंसी को हैम्पर कर रही है, मतलब बहुत एक्यूरेट हमारी रिलेवेंसी नहीं हो रही है। तो मैं एक और इसका अल्टरनेट बताता हूं, ठीक है, वो ये है कि हमने एक नया कैंपेन बनाया जिसका नाम हमने एसईओ रखा, दिस इज एसईओ ट्रेनिंग, ये हमारा कैंपेन है। अब इस कैंपेन के अंदर हमने दो एड ग्रुप बनाए, एक एड ग्रुप हमने बनाया एसईओ हिंदी, ठीक है, इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड्स रखे वो एसईओ कोर्स वाले ही कीवर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कीवर्ड्स है, ये वही कीवर्ड्स है एसईओ कोर्स, ठीक है, बट एसईओ कोर्स इन हिंदी सब में लगा हुआ है, यहां पर बेस्ट एसईओ कोर्स इन हिंदी लगा हुआ है, ठीक है, टॉप एसईओ कोर्स इन हिंदी लगा हुआ है, राइट, एसईओ कोर्स इन इंडिया इन हिंदी लिखा हुआ है यहां पर। तो यहां पर मैंने हिंदी से रिलेटेड जो है कीवर्ड्स को टारगेट करके इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर रख दिए, और इस पर्टिकुलर एड ग्रुप का जो एड कॉपीज मैं बनाऊंगा, उसमें भी मैं देखूंगा कि हिंदी वर्ड यूज हो, तो ये मैंने रिलेवेंसी बना दी, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरा मैंने एड ग्रुप बनाया एसईओ इंग्लिश के नाम से, इसके अंदर जितने भी मैंने कीवर्ड्स रखे उसके अंदर हमने इंग्लिश वर्ड का जो है वो यूज किया, जैसे यहीं पर हम लोग अगर इसकी बात करें तो एसईओ कोर्स इन इंग्लिश, इसको हम लोगों ने यूज किया हुआ यहां पर, ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एड कॉपीज बनाई, और भी जो भी हमारे कीवर्ड्स थे उसमें हमने आगे इंग्लिश जोड़ दिया। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर सही था आपकी नजर में, ये वाला स्ट्रक्चर, जितना आप क्वालिटी स्कोर को, जितना आप रेलेवेंसी को समझते हैं, तो एक्चुअली ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेस्ट है। फाइन, ये वाला स्ट्रक्चर बेस्ट है अगर हम बात करें रेलेवेंसी की, अगर हम बात करें क्वालिटी स्कोर की, तो हम इस पर्टिकुलर केस में इसी वाले स्ट्रक्चर को बेस्ट मानेंगे। तो अब आप बोलोगे सर ये वाला स्ट्रक्चर क्या गलत हो गया? बिल्कुल भी ये वाला स्ट्रक्चर गलत नहीं, ये भी सही है, बट अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम इसका और अच्छे से कंट्रोल लेने के लिए और अच्छे तरीके से रेलेवेंसी बनाने के लिए हमने इस वाले सेक्शन को इस बार कैंपेन बना दिया, ठीक है, ये भी सही था। अगर ये चीज ना होती, इंग्लिश हिंदी ना होती, केवल एसईओ वाले हमारे कीवर्ड्स होते, तो इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चल रहे थे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एड ग्रुप बनाने का कोई क्या नियम है? नहीं, एड ग्रुप बनाने का कोई नियम नहीं, हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा जो कैंपेन है उसके अंदर जो एड ग्रुप है, एड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के साथ साथ जो हमारे एड्स हैं उन सब में रिलेवेंसी होनी चाहिए। बंदे को अगर हमारा एड दिखता है, वो क्लिक करता है, तो जिस लैंडिंग पेज पे जाए वो भी रिलेवेंट होना चाहिए। तो उस रिलेवेंसी को इंक्रीज करने के लिए मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने इग्नोर कर दिया। गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं गलत नहीं है वाला स्ट्रक्चर, बट यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखो ध्यान से, जो हमारा एसईओ वाला, ये वाला जो हमारा एड ग्रुप था, इसके अंदर अगर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों ही चीजें मेंशन कर दूं तो हमारी जो रेलेवेंसी है वो उतनी जबरदस्त नहीं होगी। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर जो हम लोगों ने देखा हुआ है कि एड ग्रुप का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, अब जो भी आपको वेबसाइट मिले सिंपली आप गए यही वाला एड ग्रुप का स्ट्रक्चर आप बनाकर चले आए, तो ऐसा नहीं, आप देखो कि आपको बेटर कंट्रोल कहां मिल रहा है, और साथ ही साथ आप इस चीज को देखो कि आपकी जो रेलेवेंसी है वो किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंसी मेंटेन रहनी चाहिए थ्रू आउट द एड ग्रुप, राइट, दिस इज बेसिकली द सीक्रेट ऑफ एड ग्रुप स्ट्रक्चर, इसीलिए हम लोग एड ग्रुप स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाते हैं। बाकी हम कंट्रोल के लिए भी बनाते हैं, मतलब मुझे चाहिए कि मुझे हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल चाहिए, तो मैं एड ग्रुप्स का जो है स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आगे जब हम लोग और चीजें समझेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, राइट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें एक सेटिंग में देखें तो ही सारी चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने एक और एड ग्रुप का स्ट्रक्चर का एग्जांपल लिया हुआ ताकि आप और अच्छे समझ जाएं। मैंने एक जो है एड ग्रुप बनाया हुआ पर डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स कोर्स जो मैंने आपको बताया था, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कोर्स, ठीक है, इसके अंदर मैंने एड 1 रखे, एड 2 रखे, एड 3 रखे, ठीक है, इस ये हमारे कीवर्ड्स थे,
ठीक है, इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर, वहीं पर ये हमारे कीवर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर। अब जो भी मैं एड्स बनाऊंगा उनमें मैं इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को भी यूज करूंगा, ठीक है, एड वन में भी यूज करूंगा, एड टू में भी यूज करूंगा, एड थ्री में भी यूज करूंगा। मैंने ज्यादा एड्स इसलिए बनाए हुए ताकि मैं अच्छे तरीके से ज्यादा कीवर्ड्स जो है उनको यूज कर पाऊं। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं कि किस टाइप से हम लोग एड्स बनाएंगे। जैसे इस वाले पर्टिकुलर एड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, दिस इज एड ग्रुप वन, दिस इज एड ग्रुप टू, इस वाले एड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में हमने ये एक एड बनाया हुआ है, लर्न गूगल एड्स इन हिंदी, गूगल एड्स कोर्स अप्लाई नाउ। तो अब देखो यहां पर लर्न गूगल एड्स इन हिंदी, गूगल एड्स कोर्स, ये जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, गूगल एड्स कोर्स, ये दो कीवर्ड्स तो हमारे इस पर्टिकुलर एड में कवर हो गए, बट ये वाले कीवर्ड हमारे रह गए, बेस्ट गूगल एड्स कोर्स, बेस्ट गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी। और अगर दो तीन और कीवर्ड्स होते तो वो भी रह जाते, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं नहीं इनको रहने नहीं देना है किसी तरीके से, मैं दूसरी एड कॉपी में उसको भी कवर कर देता हूं, गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी और साथ ही साथ बेस्ट गूगल एड्स कोर्स। तो अब देखो आप, ये वाला जो हमारा कीवर्ड है वो इसमें कवर हो गया। तो हम मल्टीपल एड कॉपीज इसीलिए बना रहे हैं ताकि जितने भी जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स हमारे एड कॉपीज में आ जाए रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम मल्टीपल एड कॉपीज इसलिए भी बनाते हैं ताकि गूगल इनमें से जो भी बेस्ट एड कॉपी हो उसको सेलेक्ट करके उसका इंप्रेशन दिखाए, कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो। अब बात ध्यान से समझना, जैसे कोई यूजर आता है गूगल के ऊपर और आने के बाद ये गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी टाइप करता है या लर्न गूगल एड्स कोर्स टाइप करता है, गूगल देखता है अच्छा ये यूजर ने टाइप किया लर्न गूगल एड्स, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एड ग्रुप में है, एड ग्रुप की थीमिंग अच्छी है, चलो इस एड ग्रुप के अंदर एड्स देखते हैं। उसने देखा अच्छा लर्न गूगल एड्स यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एड को वो ट्रिगर करा देता है। वहीं पर अगर कोई दूसरा यूजर आता है और वो टाइप करता है बेस्ट गूगल एड्स कोर्स, तो वो देखता है अच्छा बेस्ट गूगल एड्स कोर्स इस पर्टिकुलर एड में, इस पर्टिकुलर एड को वो ट्रिगर करा देता है, राइट। तो बात समझ में आ रही कि क्यों हम लोग मल्टीपल एड्स बनाते हैं। आप चाहो तो एक एड बना के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि आपका कैंपेन नहीं रन होगा, बिल्कुल रन होगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें एड ग्रुप के स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। एक्चुअली रीजन यही है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंसी जो है उसको मेंटेन करके रख सकें और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कैंपेन्स और एड ग्रुप्स हम लोग बना सकें, क्वालिटी स्कोर अपना इंप्रूव कर सकें और जो ऑक्शन है उसमें हम जीत सकें। तो इसलिए हमें यहां पर एड ग्रुप्स के ऑप्शन दिए हुए ताकि हम अपने कैंपेन को प्रॉपरली जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकें, हर चीज का प्रॉपर कंट्रोल हमें हो। कंट्रोल वाले एग्जाम्पल सभी आपको आगे मिलेंगे जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगी सर कंट्रोल का क्या मतलब है, एड ग्रुप्स में रेलेवेंसी की तो बात समझ में आ गई, अब कंट्रोल का क्या मतलब है, तो वो आगे भी आपको मिलेगा, फाइन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, राइट। एड ग्रुप्स आर देयर सो दैट यू कैन वर्क ऑन थीम, थीम का मतलब एक टाइप के कीवर्ड्स को आप एक एड ग्रुप में रख सके। एड ग्रुप्स हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग योर कैंपेन, हमें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को हमें हमारे प्रमोट करना है। इन कोर्सेज के अंदर मेरे पास चार तरीके के कोर्सेज है, मेरे पास SEO का कोर्स है, मेरे पास गूगल एड्स का कोर्स है, मेरे पास फेसबुक एड्स का कोर्स है। तो नाउ आई कैन स्ट्रक्चर, ठीक है, चीजों को मैं स्ट्रक्चर कर सकता हूं, ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। इसको मेरे को पॉज करना है, इसको मैं पॉज कर दूंगा, केवल इस पर्टिकुलर एड ग्रुप की बिडिंग को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं तो वो भी मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं चाहता हूं कि केवल इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनकी मैं बिडिंग का कंट्रोल कर सकूं, उनकी बिडिंग को मैं इंक्रीज कर सकूं या डिक्रीज कर सकूं, इस पर्टिकुलर एड ग्रुप की बिडिंग को मैं डिक्रीज करना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर एड ग्रुप की बिडिंग को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं। तो जितना ज्यादा सेग्रीगेशन आप करके रखेंगे, जितना ज्यादा तोड़ के रखेंगे, ये सारी चीजें अगर आप एक साथ कर दोगे ना तो किसी भी चीज को अगर मूव करोगे तो वो पूरी की पूरी एक साथ मूव होगी। मान लेते हैं पेन है, ठीक है, ये पेन अभी क्या है, एक साथ जुड़ा हुआ है, फाइन, ये पेन पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं मूव करूंगा तो पूरा पेन मूव होगा। तो अगर आप सारी चीजों को एक साथ कर दोगे तो वो पूरी की पूरी चीजें एक साथ इफेक्ट में आएंगी, ठीक है। वहीं पर अगर इस पेन के मैं टुकड़े कर दूं, जैसे कि मैंने क्या किया, कैंपेन स्ट्रक्चर के टुकड़े एड ग्रुप्स लेवल पर कर दिए, ठीक है, या एक ही कैंपेन को मल्टीपल कैंपेन्स में मैंने डिवाइड कर दिया, तो जितना ज्यादा मैं कंट्रोल रखूंगा ना, जितना ज्यादा मैं तोड़ के रखूंगा, जितना ज्यादा मैं सेग्रीगेटेड रखूंगा, उतना मेरे पास ऑप्शन है। मैं चाहता हूं केवल इतना हिस्सा हिले तो वो हिल जाएगा, मैं चाहता हूं इतना हिस्सा हिले तो मैं केवल इसको हिला दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है कि पूरे का पूरा मैं इस पेन को हिलाऊं। उसी तरीके से अगर मैं एक ही एड ग्रुप के अंदर सारी चीजें रख दूं तो मैं कोई चेंज करना चाहूं तो वो सब पे हो जाएगा चेंज, फाइन। तो ये सारे रीजंस है, फाइन। देन डिफरेंट मैच टाइप कीवर्ड्स इन एड ग्रुप, यू कैन आल्सो क्रिएट एड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैच टाइप्स। अभी कीवर्ड मैच टाइप्स की बात करूंगा तो वो सारी चीजें क्लियर होंगी, तो वो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होता है, फाइन। वेबसाइट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एड ग्रुप्स, ठीक है, मतलब एड ग्रुप्स बनाते वक्त अभी भी आपको इस बात का कंफ्यूजन होगा कि हम एक्चुअली एड ग्रुप्स बनाएं कैसे। एक वेबसाइट
साइट अगर हमें दिख जाए तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है pepperfry.com का, बहुत ही फेमस वेबसाइट है, राइट, pepperfry.com। यहां पर आप देख सकते हो हमारे सामने pepperfry.com वेबसाइट है। दिस इज बेसिकली फॉर फर्नीचर। पेपर फ्राई क्या करती है? फर्नीचर्स को सेल करती है। अब मान के चलते हैं कि फर्नीचर्स को सेल करती है ये वेबसाइट, ये हमारा क्लाइंट है। ये आपसे बोलते हैं कि देखो भाई हमें अपनी वेबसाइट का गूगल एड्स के ऊपर प्रमोशन करना है, हमें सर्च एड्स जो है वो रन करने। देखो अभी मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ ना वो सर्च एड्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये वाले जो गूगल एड्स की स्ट्रेटजीज हैं ये आप डिस्प्ले पे भी लगा दोगे, डिस्प्ले एड ग्रुप्स पे भी, और वीडियो कैंपस बनाओगे तो उन एड ग्रुप्स पे भी लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कीवर्ड्स, एड्स और उन सब चीजों की बात कर रहे हैं, डिस्प्ले में तो कीवर्ड्स होते ही नहीं है। अगर हम लोग बात करें एड ग्रुप्स में कीवर्ड्स रखने की, तो डिस्प्ले जो एड्स होते हैं हमारे वहां पर तो कीवर्ड्स नहीं होते हैं, फाइन, वहां पर तो ऑडियंसेस होती है। वहां पर जो एड ग्रुप्स बनाने का तरीका वो थोड़ा सा बदल जाएगा, बट अभी जो हम लोग ध्यान देंगे वो सर्च कैंपेन्स के ऊपर देंगे। ऐसा नहीं है कि यही पूरी की पूरी थ्योरी उठा के हम लोग लगा देंगे डिस्प्ले पे, फाइन। तो जैसे कि पेपर फ्राई आपका क्लाइंट है, आपके पास आता है, कहता है कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए जो है गूगल सर्च एड्स रन करने हैं, तो आप पूछोगे भाई आपको अपनी वेबसाइट के लिए रन करना है, ठीक है, तो आपको अपनी पूरी वेबसाइट के लिए रन करने या कुछ जो आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आपको रन करने हैं। तो लेट्स से कि इस क्लाइंट ने आपको बोला कि ठीक है हमारे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं या हमारे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हमें एड्स को रन करना है। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो एक कैटेगरी है सोफा है, एक कैटेगरी हमारी चेयर है, एक कैटेगरी हमारी बेड्स हैं। तो यहां पर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये जो लिविंग वाली इनकी कैटेगरी है, इसके अंदर इनकी एक सब कैटेगरी बनी हुई है सोफा। सोफा के अंदर भी कैटेगरी बनी हुई है वन सीटर सोफा। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं, इन पेजेस को मैं एक बार के लिए ओपन कर लेता हूं। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट ये हमें सेल करने के लिए बोल रहा है, दैट इज बेसिकली चेयर्स। तो आम चेयर्स आर देयर, रॉकिंग चेयर्स आर देयर, ठीक है, ये अलग अलग चेयर्स हैं इनके पास, ठीक है। तो चेयर्स मतलब अगर हम बात करें मेन कैटेगरी की, तो मेन कैटेगरी इज लिविंग, उसके बाद सब कैटेगरी है, लिविंग में भी सोफा और उसके बाद भी उसकी भी सब कैटेगरी है, ठीक है। तो इस टाइप से इनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं चेयर्स हैं, और उसके बाद थर्ड इन्होंने हमें बोला है कि बेड्स को प्रमोट करना है। बेड्स यहां पर हमें दिख रहे हैं बेडरूम में, तो बेड्स अगर हम लोग देखें तो सिंगल बेड्स हैं, क्वीन साइज बेड्स हैं, किंग साइज बेड्स हैं, ये और भी बहुत सारे बेड्स जो हैं इनके पास अवेलेबल हैं, फाइन। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को वेबसाइट देख के समझ में आ गया कि मुझे इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से रखना है। देखो गाइस यहां पर मैंने क्या किया, सोफा नाम से मैंने एक कैंपेन बना दिया, कैंपेन वन सोफा। इसके अंदर मैंने एक एड ग्रुप रखा वन सीटर सोफा। क्यों रखा वन सीटर सोफा का एड ग्रुप? इसलिए रखा क्योंकि वन सीटर सोफा से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, टू सोफा से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो यहां आ जाएंगे, थ्री सीटर सोफा से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो यहां आ जाएंगे, इनसे रिलेटेड जो एड कॉपी मुझे लिखनी है वो मैं यहां लिख दूंगा। और इनके अलग अलग पेजेस भी हैं, बहुत अच्छी बात है, इनके अलग अलग पेजेस भी, मतलब इस एड के ऊपर बंदा क्लिक करेगा तो इसी वाले पेज के ऊपर जाएगा, इसके जो एड है उसके क्लिक करेगा तो इस वाले पेज पे जाएगा, सोफा वाले पेज पे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सोफा वाले पेज के ऊपर चला जाएगा, वो वन सीटर सोफा वाले कीवर्ड्स को अगर टाइप करता है, ठीक है, और वो कीवर्ड्स हमारे इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर हैं और हमारा एड ट्रिगर होता है उस पर क्लिक करता है तो वन सीटर सोफा का जो पेज है वो उसके ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग यहां पर आ जाएं अगर, ठीक है, तो देखो यहां पर टू सीटर सोफास की अलग कैटेगरी है, राइट। तो हमें पता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये पेजेस हैं, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर पेजेस हैं तो हमने अलग अलग एड ग्रुप्स बना दिए। लेट्स से कि केवल सोफा का ही पेज होता, ओनली सोफा का पेज होता, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम सोफा को कैंपेन बनाते और एक ही हमें एड ग्रुप के ऊपर काम करना पड़ता, ठीक है, या मान लेते हैं सोफा के अंदर कलर्स होते, एक पेज सोफा का है और उसके बाद इनकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो इस टाइप से है, ग्रे सोफा रेड सोफा। तो एक मैं एड ग्रुप बना देता ग्रे सोफा नाम से, एक मैं एड ग्रुप बना देता रेड सोफा नाम से। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि सोफा, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस टाइप से, सोफा वन सीटर सोफा, इसको वन सीटर कर देते हैं, टू सीटर सोफा, थ्री सीटर सोफा। दूसरा जो एग्जांपल मानते हैं कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस टाइप से, सोफा रेड सोफा एंड यहां पर ले लेते हैं ब्लू सोफा, ठीक है, इस टाइप से यहां पर सारे सोफा है। इन्होंने टू सीटर, थ्री सीटर, फोर सीटर में कैटेगरी नहीं करी। तो अब बताओ मेरे को इनकी वेबसाइट का, जब आप इनकी वेबसाइट का जो है कैंपेन स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो वहां पर जो कैंपेन बनेगा वो सोफा बनेगा, एड ग्रुप्स जो बनेंगे वो वन सीटर, टू सीटर, थ्री सीटर के हिसाब से बनेंगे। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो कैंपेन बनेगा वो सोफा बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एड ग्रुप्स जो बनेंगे वो रेड और ब्लू के हिसाब से बनेंगे, मतलब इसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे वो रेड सोफा, बेस्ट रेड सोफा, चीप रेड सोफा, रेड सोफा अंडर 20,000, 30,000, जो भी आपको रखना है इस टाइप के कीवर्ड्स होंगे। तो क्या वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमारी हेल्प नहीं कर रहा ग्रुप्स बनाने में? फाइन, अच्छा इसके हमारे पास अलग से यूआरएल्स भी हैं,
इसके भी URL से, क्योंकि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके का है। इसके भी हमारे पास अलग से URLs हैं, इसके भी हमारे पास अलग से URLs हैं, इसके भी हमारे पास अलग से URLs हैं। अब हो सकता है इसी के अंदर इन्होंने एक रेड सोफा की भी कैटेगरी दे दी, इसी के अंदर इन्होंने ब्लू सोफा की भी कैटेगरी दे दी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोफा के अंदर हम इन सबको भी रन कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग इसको भी एड कर सकते हैं। यहां पर रेड सोफा इससे रिलेटेड कीवर्ड्स, ब्लू सोफा इससे रिलेटेड कीवर्ड्स। अब हो सकता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर दूसरे टाइप का, देखो समझने की कोशिश करो, जैसे जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है, सोफा उसके बाद ब्लू सोफा और उसके बाद जो है ये है टू सीटर, थ्री सीटर, फोर सीटर, मतलब ऐसे ब्लू सोफा में भी उन्होंने कैटेगरी बना रखी कि ब्लू सोफा टू सीटर, ब्लू सोफा थ्री सीटर, ब्लू सोफा फोर सीटर। तो आप कैंपेन ऐसा भी बना सकते हो कि मैंने कैंपेन का नाम रखा ब्लू सोफा और ब्लू सोफा के अंदर मेरे एड ग्रुप्स हैं टू सीटर, थ्री सीटर, फोर सीटर। तो ये हो गया टू सीटर ब्लू सोफा, थ्री सीटर ब्लू सोफा, फोर सीटर ब्लू सोफा। तो एक्चुअली वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी हमें हमारे जो एड ग्रुप्स हैं, हमें हमारे जो एड ग्रुप्स हैं उनको बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली एड ग्रुप्स क्यों दिए हुए हैं। फाइन, उसी तरीके से मैंने पकड़ लिया चेयर को, ठीक है, चेयर का मैंने कैंपेन टू बना दिया और बेड्स का मैंने कैंपेन थ्री बना दिया। पेपर फ्राई का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, जहां पर मैंने एड ग्रुप वन के अंदर आर्म चेयर्स प्रमोट करी, आर्म चेयर से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, यहाँ रॉकिंग चेयर से रिलेटेड है, यहाँ कैफे चेयर्स है। इसी तरह सिंगल बेड, क्वीन साइज बेड और किंग साइज बेड, इन सभी से रिलेटेड मेरे पास अलग अलग कीवर्ड्स हैं, इन सभी से रिलेटेड मेरे पास पेजेस हैं, इन सभी से रिलेटेड मैं एड कॉपीज बना दूंगा। बस हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर हो गया। थीमिंग की डिटेल हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको रेड ब्लू बताया, तो ऐसा नहीं कि थीमिंग हमेशा वेबसाइट की कैटेगरी के ऊपर ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थीम्स हमारी एड ग्रुप की या एड ग्रुप के अंदर जो हम कीवर्ड्स रखते हैं वो अलग अलग थीम के ऊपर बेस्ड हो सकता है। एग्जांपल ये हो गया कि पूरी पूरी कैटेगरीज हमने ले ली, चेयर्स की कैटेगरी ले ली, उसके बाद आर्म चेयर, रॉकिंग चेयर, स्टडी चेयर, कंप्यूटर चेयर, जो भी हमें करना है उस टाइप से हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्पोर्ट्स वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर शूज ले लिए, ठीक है, शूज हमने बना दिए कैंपेन और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख दिया स्पोर्ट्स शूज, उसके बाद लिख दिया फॉर्मल शूज, उसके बाद लिख दिया कैजुअल शूज, ठीक है, ये हो गए हमारे एड ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड जो है हमारे कीवर्ड्स रख दिए, इसमें हमने फॉर्मल से रिलेटेड रख दिए, इसमें हमने कैजुअल से रिलेटेड रख दिए। आई बिलीव आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसी तरीके से कलर्स के बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं। रेड से आपका कोई क्लाइंट है जो एक ही तरीके की साड़ीज बेचता है, ठीक है, लेट से वो सेल कर रहा है साड़ीज, सारीज, तो सारीज नाम से आपने कैंपेन बना दिया, बट वो जो सारी बेचता है एक ही टाइप का जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है, उसके अंदर उसके पास अलग अलग कलर के वेरिएशन है, तो उसने जो एड ग्रुप बनाया वो रेड साड़ी के नाम से बनाया, ठीक है, पिंक साड़ीज के नाम से बनाया, उसके बाद जो है उसने ब्लू साड़ीज के नाम से बनाया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा रेड साड़ी का एक एड ग्रुप बन गया है हमारा, अब इसके अंदर हम इससे रिलेटेड कीवर्ड्स रखेंगे। यहां पर हम लोग एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से जो क्लाइंट है हमारा वो क्या कर रहा है, वो वेडिंग साड़ीज भी बेच रहा है, ठीक है, और वो हमारे लिए वेडिंग साड़ीज भी बेच रहा है और कैजुअल साड़ीज भी बेच रहा है, ठीक है, दो मेन कैटेगरीज हैं और उसके बाद उसके कलर्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेडिंग साड़ीज को एक कैंपेन बनाऊंगा और मैं एक कैंपेन यहां पर बनाऊंगा कैजुअल साड़ीज को, और यहां पर मैं रेड वेडिंग साड़ीज लिख दूंगा, रेड वेडिंग साड़ीज, यहां पर मैं लिख दूंगा जो है रेड कैजुअल साड़ीज। तो ये क्या है हमारे रेड कैजुअल साड़ीज जो लिखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली द एड ग्रुप, दिस इज बेसिकली द एड ग्रुप। अब इसके अंदर जो कीवर्ड्स आएंगे वो उससे रिलेटेड होंगे। तो ये आपको सोचना, इसका कोई नियम नहीं है कि भाई इसी तरीके से जो है वो हमेशा हमारे एड ग्रुप्स बनेंगे, हमें एक नियम रट लेते हैं, एक रूल रट लेते हैं, ऐसा ही होगा, नहीं। हमें देखना है कि अच्छा वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करा, उसके हिसाब से हम लोग को एड ग्रुप्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनको हमें बनाना है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सर्विसेज की, तो जैसे मैंने यहां पर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सर्विसेज का एग्जांपल लिया हुआ है। गूगल एड्स हो गया एक, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक कैंपेन लेवल पर हो गया, उसके बाद गूगल एड्स हो गया। अब गूगल एड्स के अंदर भी अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो मैं गूगल एड्स को कैंपेन बना दूंगा और मैं यहां पर बोलूंगा गूगल एड्स फॉर लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, गूगल एड्स फॉर कोचिंग्स, तो मैं ये अलग अलग जो है वो एड ग्रुप्स बना दूंगा इसके अंदर। अब इसके अंदर उन लोगों को मैं टारगेट करूंगा उस टाइप के कीवर्ड्स जो लोग गूगल एड्स फॉर मेडिकल रिलेटेड थिंग्स सर्च कर रहे हैं, या जो लोग जो है मतलब गूगल एड्स फॉर हॉस्पिटल सर्च कर रहे हैं, हाउ टू रन गूगल एड्स फॉर हॉस्पिटल्स, या गूगल एड सर्विसेज फॉर हॉस्पिटल्स, गूगल एड सर्विसेज फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, गूगल एड सर्विसेज फॉर स्कूल्स, ठीक है, तो गूगल एड्स उस लेवल पर कैंपेन हो जाएगा। तो एक्चुअली हम कितना डीप जा रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं हमारे एड ग्रुप्स कैसे होंगे। ब्रांड के बेसिस पे भी हम लोग एड ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने रखा शूज,
ठीक है। अब शूज में हमारे पास अलग अलग है, नाइकी शूज तो नाइकी मैंने बना दिया, प्यूमा तो प्यूमा बना दिया, एडिडास तो एडिडास बना दिया। अब फिर से यहां पर चीजें बदल सकती है, जैसे मैंने कहा कि शूज मेरा कैंपेन है, ठीक है, और मैंने एक एड ग्रुप बना दिए नाइकी प्यूमा एंड रिबॉक, फाइन। अब इसके अंदर मैं जो है कीवर्ड्स रख रहा हूं, जैसे यहां पर मैं रख रहा हूं नाइकी शूज, यहां मैं रख रहा हूं प्यूमा शूज, ये मैं कीवर्ड्स रख रहा हूं, यहां मैं रख रहा हूं रिबॉक शूज, ये मैं कीवर्ड्स रख रहा हूं, फाइन। वहीं पर मैं ये भी कर सकता हूं, नाइकी के नाम से मैंने बना दिया एक कैंपेन। अब नाइकी में भी हमारे पास दो ऑप्शंस है, फॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो मैंने क्या किया, एग्जांपल मैं ले रहा हूं केवल, मे बी नाइकी ना प्रोड्यूस करता हूं फॉर्मल शूज, ठीक है। तो नाइकी में मैंने एक एग्जांपल ले लिया एड ग्रुप का, कि मैं एक एड ग्रुप फॉर्मल का बना दूंगा, एक एड ग्रुप मैं स्पोर्ट्स का बना दूंगा। फॉर्मल में मैं फॉर्मल रिलेटेड कीवर्ड्स रखूंगा और मैं यहां पर जो है कीवर्ड्स रखूंगा स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड कीवर्ड्स मैं यहां पर रखूंगा। तो गाइस अभी आई बिलीव चीजें समझ में आ रही होंगी कि स्ट्रक्चर इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली हम किन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर फॉर्मल से रिलेटेड मेरे पास यूआरएल होगा nike.com/formal, यहां पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरे पास यूआरएल होगा nike.com/sports, इसलिए मैंने इस टाइप के जो एड ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो सेलेक्ट किया, राइट। स्ट्रक्चर जो है वो कीवर्ड मैच टाइप्स के ऊपर भी बन सकता है, मतलब एड ग्रुप्स जो है वो हमारे कीवर्ड मैच टाइप्स के ऊपर भी बन सकते हैं। कीवर्ड मैच टाइप अभी मैंने आपको डिटेल में बताया नहीं, उसके भी लेक्चर्स आएंगे आगे। तो जैसे गाइस मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर मैंने सारे एग्जैक्ट मैच जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको रख दिया। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स का वॉल्यूम लेस होता है लेकिन रेलेवेंट काफी होते हैं, ठीक है, तो इनकी बिडिंग मैं उसके हिसाब से कर सकता हूं। वहीं पर एक पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर मैंने जो है ऑल फ्रेज मैच कीवर्ड्स रख दिए, तो ये भी मैं कर सकता हूं। एक एड ग्रुप का स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि मेरे जितने भी टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं ओवर द टाइम, मैंने रन करके देखा ओवर द टाइम, मुझे पता चल गया कि अच्छा ये सारे मेरे एक टाइप के टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं, तो बाकियों को मैं रोक दूंगा, एक नया मैं ऐड ग्रुप बना दूंगा जहां पर मैं टॉप परफॉर्मिंग जो मेरे कीवर्ड्स होंगे उनको मैं मेंशन कर दूंगा उस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर। तो एक्चुअली ऐड ग्रुप का कोई नियम नहीं, मैं फिर से ही बता रहा हूं, ऐड ग्रुप क्रिएट करने का कोई रूल नहीं है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है रिलेवेंसी बनी रहे। इस टाइप से आपको ऐड ग्रुप्स क्रिएट करने हैं कि रिलेवेंसी बनी रहे और उसके हिसाब से आपके पास लैंडिंग पेज भी हो। जैसे चार ऐड ग्रुप्स आपने बनाए तो आपके पास लैंडिंग पेज हो ताकि आप चारों पे रीडायरेक्ट कर पाए। तो गाइस आई बिलीव चीजें आपको समझ में आई होंगी। वहीं पर अगर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करें इन्हीं सारी चीजों का, तो यहां पर जैसे मैं आ जाता हूं अपने डेमो अकाउंट के ऊपर, तो सिंपली हम कैंपेन के ऊपर जाते हैं। मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर क्विकली दिखा दूं, मैं पहुंचता हूं सीधे कैंपेन के ऊपर, मैं न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां से हम लोग पहुंचते हैं सर्च पे, सर्च की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, स्टार्ट न्यू करूंगा, ठीक है। पहले मैंने बना के एक छोड़ दिया था इसलिए वो बोल रहा था कि रिज्यूम करना है आपको ड्राफ्ट। उसके बाद हम लोग यहां पर नीचे आते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको एटलीस्ट बजट तो एंटर करना ही पड़ेगा, बिना बजट के वो आगे आपको बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो बजट एंटर करके मैं सेवन कंटिन्यू करके आगे बढ़ता हूं, मैं तो मैं सीधे पहुंचाऊंगा एड ग्रुप वाले लेवल पर। अब आपको नाम भी यहां पर एड ग्रुप कैसे रखने की आप समझ जाओ कि ये आपके जनरल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जनरल कीवर्ड्स हैं, या आपके ये जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया हुआ है जैसे गूगल एड्स कोर्स है, तो गूगल एड्स कोर्स के हमारे जो हैं वो कीवर्ड्स हैं, फाइन। और हिंदी वाला ये हमारा एड ग्रुप है, तो अब इसके अंदर जो मैं कीवर्ड्स रखूंगा वो किस टाइप से रखूंगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार, गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी इस टाइप से मैं रखूंगा, फाइन, गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी, या मैं रखूंगा यहां पर बेस्ट गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी, यहां पर मैं लिख देता हूं बेस्ट गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी। अब यहीं पर अगर मैं बेस्ट एसईओ कोर्स इन हिंदी लिख दूं तो पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा ना। यहां पर मैंने लिख दिया जैसे बेस्ट एसईओ कोर्स इन हिंदी, तो ये जो हमारा सही कीवर्ड था, ऐसा नहीं कीवर्ड गलत है, ठीक है, सही कीवर्ड है, बट गलत एड ग्रुप के अंदर आ गया, क्योंकि इससे रिलेटेड ना तो कोई दूसरे कीवर्ड है इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर, ना इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर इससे रिलेटेड कोई एड दिखेगा, तो ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है ना। तो इस टाइप से चीजें हम लोग इग्नोर करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यहां से हटा देते हैं, इसीलिए हमारे पास जो कैंपेन और एड ग्रुप टाइप के स्ट्रक्चर दिए हुए, राइट। आई बिलीव चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। उसी तरीके से मैं न्यू एड ग्रुप के ऊपर आ जाता हूं। अब मैंने माना कि ये हमारा एड ग्रुप था जो हिंदी का था, उसी तरीके से हम यहां पर आ जाते हैं जो हमारा इंग्लिश वाला कीवर्ड होगा उससे रिलेटेड होगा। तो ये वाला मैंने एग्जांपल लिया, आप कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने बहुत सारी चीजों को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया, आप यहां पर कलर्स वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, सर्विसेज वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, सोफा चेयर बेड्स, किस टाइप के स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर रहे हैं, कैटेगरी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने एड ग्रुप्स को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। आई बिलीव एड ग्रुप के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे,
थीमिंग का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, वेबसाइट के साथ एड ग्रुप्स बनाने की क्या रिलेशंस हैं, एड ग्रुप्स में और अलग अलग कितने तरीके की थीमिंग हम लोग कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। गूगल एड्स की फ्री प्लेलिस्ट यहां पर अवेलेबल है, 100 से ज्यादा वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।